We have a question. If one real root of the quadratic equation 81 x square plus kx plus 256 equals to 0 is q of the other root, then the value of k is. तो इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका जो एक रूट अगर अल्फा माने तो दूसरा होगा अल्फा क्यूब होगा। यहाँ पे बोला है एक रूट जो है दूसरे का क्यूब है, तो ये हो गया जिसका सम रूट निकालते हैं। इसका सम रूट निकालते हैं, ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर। सम रूट निकालते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस बी वाई, तो यहाँ पे माइनस के बाई ए 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा इंटू बी अल्फा इंटू अल्फा क्यूब निकालेंगे तो अल्फा भी 4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 256/81 हो जाएगा। 256/81 हो जाएगा, सी बाई ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा पे 4 इक्वल टू 256 को 4/3 पे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू 4/3। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम इसमें सम ऑफ द रूट में पुट करते हैं हो जाएगा 4/3 यहाँ पे पुट करें प्लस 4 का क्यूब प्लस बाई 3 का क्यूब 4 का क्यूब 4 बोल 60 यहाँ पे 64 हो जाएगा बाई 3 का 27 इक्वल टू माइनस के बाई 81। अब इतना आ गया। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे भैया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो गया 27 यहाँ पे 9 हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 64 इक्वल टू माइनस के बाई 81। फिर यहाँ पे 27 से काट देते हैं 3 टाइम हो जाएगा। अब ये जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 यहाँ पे 0 6 6 3 9 9 1 10 इंटू 3 इक्वल टू माइनस के, यहाँ से के की वैल्यू आ गई -300। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो गाइस अगर ऐसी वीडियोस आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।